Thank you, gentlemen. I'm on the sidelines with a Pakistani test cricketer who made his debut against Zimbabwe a couple of years back with so much experience. Tabish Khan mere saath maujood hai. Thank you, Tabish, for joining us. I mean, aapka itna zabardast mujhe bahut acha lagta hai talking to players jinka itna domestic mein khela aapne, first class with more than 600 wickets. That's amazing. Itne experience leke ab Ramzan tournament khel rahe hain. How does it feel? Kyunki sab cricket shuru hi Ramzan cricket se hi hui hoti hai na, kabhi kabhi jab aap chote the yahi se शुरू होता है सब कुछ. बिल्कुल ऐसे ही है. रमज़ान क्रिकेट एक, बस समझ लें कि हम लोग के लिए एक ऑफ सीज़न के एक मैचेस की तरह से हो जाता है. और एक T20 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, इसमें नए प्लेयर्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस करने को मिलता है. तो ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल एक होता है और साथ साथ ही हमें अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी गेन करने को मिलता है इसमें. लग रहे हैं, यू लुक इन गुड गुड शेप, अच्छी निक में लग रहे हैं. मगर ताबिश, बहुत ज़रूरी होता है जैसा आपने अभी बोला, एक्सपीरियंस अपना पास ऑन करना यंगस्टर्स को. तो आपके साथ यंग बच्चे भी हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू नो व्हाट आर द, मतलब किस तरह की आपकी बातें होती हैं, आप किस तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आप क्या इंकरेज करते हैं उनको कि डोमेस्टिक क्रिकेट जिनको भी मौका मिले दिस शुड प्ले डोमेस्टिक, कितनी ज़रूरी है डोमेस्टिक क्रिकेट? ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़रूरी है. और मैं एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 4-day क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 4-day क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर आपको हमारे पास प्लेयर 4-day क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट में थोड़े से हमारे पास एक बंच थोड़ा सा कम है, जो मुझे ऐसा लगता है. हमारे पास T20 वनडे का बहुत बंच पड़ा हुआ है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा टैलेंट है. बस हमें 4-day और टेस्ट क्रिकेट के लिए थोड़ा सा और बंच चाहिए, तो टीम में इंशाल्लाह और मजीद बेहतरी आ जाएगी. ताबिश, यू आर फैंटास्टिक बोलर, बट डू यू सी, मतलब कि वे आपकी अपनी टीम क्या लग रही है, कुछ आगे जाती हुई देख रही है? 8th टूर्नामेंट ये जो एडिशन है जीतते हुए नजर आ रहा है. आई थिंक इस मैच के बाद ही पता चलेगा. अभी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते, जिस तरह का पिच अभी बिहेव कर रहा है, स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और ये मैच के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा. ऑब्वियसली अगर मैच हार गया तो फिर देयर इज नो चांस ऑफ क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग फॉर द अदर राउंड. और अभी देखें आपके सामने एक और विकेट गिर गई है. सो ये आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट आई थिंक वी विल गो बैक टू ताबिश. थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, एंड वी विल गो बैक टू द कॉम बॉक्स. मुझे लग रहा था बॉल मुझे आके लग गई, बट बचत हो गई है. इट्स आउट.